नमस्कार, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक हथेली हमारे पास है और देखिएगा, हथेली में तीन चीज़ें, विशेषकर अगर साधारण व्यक्ति भी होगा वो भी देख सकता है। वैसे मैं बिल्कुल साधारण तरीके से बताऊंगा। अगर आप सीधा अगर इस हथेली को देख रहे होंगे तो आपको हथेली का ये हिस्सा जो है बहुत ज़्यादा फूला हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी जो ये हिस्से हैं ये आपके इतने नहीं फूले हुए हैं, लेकिन ये हिस्सा जो है काफ़ी ज़्यादा फूल गया है और इसको हम चंद्रमा कहते हैं, ठीक है ना। और ये चंद्रमा जो है मन का कारक होता है, क्योंकि जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं ना उनमें कहा गया है चंद्रमा मनसो जायतः, चंद्रमा मनसो जायतः, मनी चंद्रमा मन का अधिपति है और जो मानव है उसका निर्माण ही मन से हुआ है और जो मन का अवयव है वह है मानव। मन का ही तो पार्ट है ना मानव, इसीलिए मानव के जीवन में इस क्षेत्र का, इस चंद्रमा का बहुत बड़ी भूमिका है, बहुत बड़ा रोल है और ज्योतिष और जीवन में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है ये। और देखिएगा, चंद्रमा इतना महत्वपूर्ण है कि आपके शरीर में न 70% जल है और हमारी जो ये पृथ्वी है इस पर 2/3 पानी है। ये चंद्रमा इन सब को प्रभावित करता है। आपके शरीर में, आपके जीवन में 70% मामलों पर इसी चंद्रमा का अधिकार है और चंद्रमा 70% जीवन को बदलने की ताकत रखता है, क्षमता रखता है, ये बल है इस चंद्रमा का। और ये जब बहुत ज़्यादा फूल जाए या बहुत ज़्यादा दब जाए, अनुकूल न हो, तो नेगेटिव प्रभाव डालता है। और जिस तरह से सभी ग्रहों से बहुत ज़्यादा फूल रहा है और इसका झुकाव जो है शुक्र की तरफ है और शुक्र भी जो है नेगेटिव भाव में बैठे हुए हैं, शुक्र का अलग बताऊंगा, लेकिन इस वर्तमान में ये आपके मन को गड़बड़ करते हुए दिखाई दे रहा है। मन गड़बड़ रहेगा, मानसिक परेशानी यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है या भावुक ज़्यादा हो जाएंगे, बात बात पर आँखों से आंसू आ सकते हैं। दूसरी बात, इमोशनली परेशान हो सकते हैं और चंद्रमा इस तरह से जो है गड़बड़ रहता है, नेगेटिव रहता है तो मन अच्छा नहीं रह सकता है। ज़्यादातर मामले में काम में मन नहीं लगता है, कुल मिला के मन अच्छा नहीं रहता है और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसीलिए अगर मन सही नहीं होगा ना तो अक्सर जो है हमारा पेट भी सही नहीं रहता है। और चंद्रमा इस तरह से नेगेटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, या तो व्यक्ति की माँ होती है तो माँ से थोड़ा दूर रहता है, माँ के पास नहीं रहता है, या वैचारिक मतभेदता रहता है, किसी न किसी प्रकार से माँ का जो सुख मिलना चाहिए वो सुख कम मिलता है। चंद्रमा अगर इस तरह से खराब रहता है तो नींद आने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस लेवल में थोड़ा कमी रह जाती है, शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है ना उतना बढ़िया नहीं रहता है जितना बढ़िया उसको रहना चाहिए। अगर मन सही नहीं होगा, काम में नहीं लगेगा तो संघर्ष बढ़ेगा, तनाव बढ़ेंगे, काम बिगड़ेंगे। तो इसीलिए जो है अगर चंद्रमा ठीक है, चंद्रमा बढ़िया है तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं, सारी चीज़ें अपने आप अच्छी हो जाती हैं। दूसरा, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इनकी पूरी हथेली में छोटी छोटी गौण रेखाएं बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्तमान समय में दिखाई दे रही हैं। और देखिएगा, जब भी हमारी हथेली में ये छोटी छोटी रेखाएं अपना जाल बनाती है ना और इस तरह से हमारी रेखाओं को, हमारी पर्वतों को काट लेती है, जैसे आपकी हथेली में है छिन्न भिन्न अवस्था में, तो ये वर्तमान समय को दिखाती है। ये निश्चित है वर्तमान समय में ये संघर्ष को उत्पन्न कर रही हैं, संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। और जब संघर्ष को बढ़ावा देती हैं ये, तो व्यक्ति का जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, उसको पूरी तरह से रोक लेती है, काम बनते बनते बिगड़ने लगते हैं।
रास्ता नहीं मिल पाता है और आर्थिक रूप से व्यक्ति को ये कमज़ोर करने का काम करती है, शारीरिक रूप से भी जो है कन्फ्यूजन की स्थिति को पैदा करती हैं। और जो आपका करियर है, जो आपकी धन की स्थिति है, जो आपकी प्रगति की स्थिति है, उन्नति का क्षेत्र है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालती है। और जब उस पर प्रभाव पड़ता है तो मानसिक तनाव बढ़ता है, व्यक्ति उलझन की स्थिति में आ जाता है और मानसिक परेशानी से ग्रसित होने लगता है। इस तरह की चीज़ें ये देती हैं, कुल मिला के ये नेगेटिव ऊर्जा को एक्टिवेट करती हैं और जो पॉजिटिव ऊर्जा है उसको किनारे करने शुरू कर लेती है। तो इसका भी एक उपाय आपको करना है। साथ में अगर आपका चंद्रमा ऐसा हो तो मन भी व्यक्ति का गड़बड़ रहता है, मानसिक परेशानी ज़्यादा बढ़ जाती है, समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा, आप देखोगे आपकी जो उंगलियां हैं इनके जो तीसरे पोर हुए हैं यहाँ पे बहुत बड़ी छिद्र दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत कम दिखाई दे रहा है। खर्चीला स्वभाव यहाँ पे बना हुआ है, इस ओर संकेत कर रहा है। और 45वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहेगा। 35वें वर्ष तक तो धन के रूप में जो है देखो तीन चीज़ें बताता है ये आपकी थोड़ा समझने की कोशिश करें यहाँ पे सरलता से। ये आपकी इंडेक्स फिंगर है, ये आपकी मिडिल फिंगर है, इनके बीच में इतना बड़ा छिद्र हो तो ये 35वें वर्ष तक अपना प्रभाव देता है। तीन चीज़ें हैं, इसमें से एक चीज़ व्यक्ति के अंदर होती है, या तो धन के मामले में संघर्ष रखता है, या तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रखता है, या तो व्यक्ति धन के महत्व को उतना नहीं समझ पाता है। और इसके बीच जो है इस तरह से कम है लेकिन खर्चीला स्वभाव रहेगा, धन के मामले में संघर्ष रहेगा, या तो धन के महत्व को नहीं समझेंगे। अब इसके बाद की स्थिति ठीक है, नहीं है ऐसा, मतलब जो ओल्ड एज होगी उसमें सुख संपन्नता और समृद्धि साफ नज़र आ रही है, ज़्यादा होगी और जीवन एक लग्जरियस जीवन रहने वाला है, इस ओर संकेत है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखो, वर्तमान में यहाँ से आप देखोगे एक रेखा निकल रही है और ये रेखा यहाँ पे समाप्त हो रही है, और जब निम्न मंगल से कोई रेखा निकलती है तो ये रेखा राहु रेखा कही जाती है। ये यहाँ पे एक कट का निशान यहाँ पे देती हुई दिखाई दे रही है, राहु को निगेटिव करती है। और जब जीवन काल में राहु निगेटिव हो जाए तो सबसे पहले मुश्किल ये होती है कि जीवन में कदम कदम पर व्यक्ति को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, पैसे रुपए को लेके, रोजगार को लेके, आजीविका को लेके, हर जगह व्यक्ति को उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलने पड़ते हैं। और राहु खराब हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो व्यक्ति ज़्यादातर मामलों में नशे की ओर जाता है, एल्कोहल लेता है, झूठ बोलना पड़ता है, फास्ट फूड लेता है या फास्ट फूड खाता है, या तमाम ऐसी चीज़ें खाता है जो शरीर में जहर पैदा करती है और शरीर को नुकसान पहुंचाती है। और राहु का प्रभाव जो है आपके व्यक्तित्व पर भी होता है, जातक ज़्यादातर मामलों में आलसी हो जाते हैं या चीज़ों को छुपाने बैठ जाते हैं, इस तरह की चीज़ें व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। और ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो कर्जे की स्थिति और धन की नुकसान होने की स्थिति को भी दिखाता है। विशेषतर करियर की रेखा को काटे तो करियर के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष व्यक्ति को जीवन काल में ढोना पड़ता है। तो इसलिए जो है आपके जीवन में ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब मैं आपकी हथेली का पूर्ण रूप से एक एक चीज करके यहाँ पे देखता हूँ। सबसे पहले एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि दो शादी के योग यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहे हैं, इस उलझन में आपको नहीं रहना चाहिए। धन की स्थिति और कार्य की स्थिति और जीवन की स्थिति कैसी है, ये आपके चंद्रमा, आपके राहु का प्रभाव और आपकी हथेली में छोटी छोटी रेखाएं और इन पर्वों को देख के मैंने बता ही दिया है आपको।
ये जुपिटर माउंट है हमारी हथेली में, ये गुरु बृहस्पति जी हैं, और इस पे बनने वाली जो ये उंगली है, ये जो है हमारी बृहस्पति की उंगली है, और इसे हम तर्जनी कहते हैं। ये यहाँ पे सीधी खड़ी है, लेकिन हल्के रूप से जो है इधर घूम रही है। धार्मिक भावनाएं बहुत अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे शनि की उंगली अच्छी खासी लंबी है, तो मेहनत करने में संकोचाट नहीं है, मेहनती है, सूझबूझ से काम लेने वाला व्यक्तित्व भी है। लेकिन थोड़ा सा इधर ढल रही है, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा मेहनत के बाद ही धन की प्राप्ति होती है, सफलता की प्राप्ति होती है। यहाँ पे रिंग फिंगर है, जिसे सूर्य की उंगली कहते हैं, ये पूरी तरह से जो है यहाँ पे शनि की तरफ ढलती हुई दिखाई दे रही है। धन पाने की इच्छा मन में हिलोरे लेती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये अच्छी खासी लंबी भी है यहाँ पे, और आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी दिखाई दे रही है। हिम्मती स्वभाव भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन काल में रिस्क लेने की क्षमता भी अच्छी खासी दिखाई दे रही है, यहाँ पे ये चीज़ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऐसा जातक यशस्वी भी होता है, आप अपने जीवन काल में यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा और यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से भी एक होंगे, और ऐसा जातक अपने जीवन में सफल होते हैं, इस चीज़ की भी ये गारंटी देती है। और दूसरी अगर हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली है इस तरह से है, और पहले पौर्व तक लगभग थोड़ा सा रह गए, लेकिन पहुँचती हुई नज़र आ रही है। थोड़ा नाखून बढ़ाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर उंगली ये सीधी हो जाए, लंबी बहुत सुंदर हो, तो ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल रूप से देखेगा एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है, या चाहे प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, अपने जीवन काल में ग्रहों के अनुकूल होने पर अगर राहु की दशा न हो, शनि की दशा न हो, तो इसका ज़्यादा फल मिलता है। ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी या उच्च पदस्थ होता है, या कुल मिला के देखा जाए तो उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, शानदार कम्युनिकेशन का मालिक होता है, स्किल्स इसके अंदर होती हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रही है, इनकी हथेली में एक इस तरह से शयन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पे जैसा ये शयन पूर्ण और बहुत सुंदर बनेगा, इसको विष्णु का तिलक भी कहा जाता है, और ये व्यापार के ग्रह पे अगर बने, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन काल पे निश्चित ही एक उत्कृष्ट व्यापारी होता है। व्यापार में अपार धन की प्राप्ति ऐसे लोगों को होती है, बहुत अच्छा धन ऐसे लोग कमा लेते हैं। और धार्मिक कार्यों में भी ऐसे लोग अपने धन को जो है खर्च करते हैं, ज़रूरतमंदों को जो है ऐसे लोग जो है सेवा भाव अच्छा रहता है ऐसे लोगों में। धार्मिक कार्यों में ऐसे लोग प्रसिद्धि पाते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, लेकिन जीवन काल में अपना जो व्यक्तित्व है वो सुंदर रूप से निखारते हैं, और एक व्यापार में जो है बहुत बड़ी प्रसिद्धि ऐसे लोगों को मिलती है, और अपने जीवन में अच्छा खासा धन ये लोग इकट्ठा कर लेते हैं। बहुत अच्छी सेविंग ऐसे लोगों की हो जाती है, क्योंकि भगवान विष्णु का जो तिलक है वो अपने आप में एक तेज मंडल है, एक तेजस्वी पुंज है ये, और ये जिस ग्रह में बैठता है उस ग्रह के अनुरूप अपना फल देता है। यहाँ पे बुद्ध पे बैठा हुआ है, और बुद्ध आपके व्यक्तित्व का मालिक है, बुद्ध पैकेजिंग का मालिक है, बुद्ध व्यापार ग्रह है, ये ग्रहों में राजकुमार है, नौजवान है, खूबसूरत है, तो इसका फल भी जो है व्यक्ति के जीवन में बहुत सुंदर मिलता है। यहाँ पे अभी स्पष्ट तरीके से नहीं है, लेकिन साफ रूप से दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है। आने वाले समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है, एक खूबसूरत समय रहने वाला है, लेकिन तब जब आपके जीवन में राहु का प्रभाव विशेषतर ख़त्म हो जाए, आपके जीवन में चंद्रमा का नेगेटिव प्रभाव ख़त्म हो, और आपके जीवन में जो ये संघर्ष की रेखाएं हैं ये अपना नेगेटिव अवस्था छोड़ दें, आपके जीवन में जो आपका मणिबंध है, जो लगातार संघर्ष की स्थिति, लगातार जो है धन में कमी की स्थिति यहाँ पे बताई हुई है, उसको छोड़ दें, तो तब जीवन में ये अपना महत्व बहुत अच्छा रखेगा।
यहाँ पे अगर हम देखें तो सभी उंगलियों का जो झुकाव है कहीं ना कहीं मिडिल फिंगर की तरफ यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ होता है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है, और ऐसे में व्यक्ति कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, या जीवन काल में सब कुछ होते हुए भी जीवन में खुशियों में कमी देने का ये काम करता है। और विशेषतर शनि इस तरह से हो और इसमें जो है एक से कई रेखाएं जो है इस तरह से इसको काट रही हो कहीं ना कहीं, तो ऐसे में जो है और इस तरह से यहाँ पे कहीं पे उठा हो कहीं पे बैठे अवस्था में हो, तो ऐसे में उलझन की स्थिति बढ़ जाती है। और अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो तो ये भाग्य स्थान है और नौकरी का मालिक है, तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में कहीं ना कहीं समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, और मानसिक तनाव ये रेखाएं ज़्यादा देती हैं, उलझन ये रेखाएं ज़्यादा देती हैं, अड़चनों को ये रेखाएं बुलावा देती हैं। तो इस तरह से और बेवजह की चिंताएं व्यक्ति जो है अपने जीवन में करने लगता है और थोड़ा परेशान ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, इस तरह की चीज़ें ये रेखाएं देती हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की भी ज़रूरत है, आपकी अगर हथेली में देखा जाए तो यहाँ पे इस तरह से चल रहा है, ये यहाँ पे और कहीं ना कहीं जो है वर्ग भी बन रहे हैं आपके शनि पर्वत पे, शनि पर्वत पे वर्ग का निशान। और देखिएगा, शनि पर्वत पर वर्ग का चिन्ह व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं बार बार मौत के मुँह में भी चले जाएं तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं, ये खासियत होती है इस वर्ग की, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे रेखाओं की तरफ चलते हैं, अगर रेखाओं की तरफ चले उससे पहले थोड़ा सा जो है सूर्य पर्वत की भी चलते हैं। रेखा एक बहुत सुंदर है, यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं ये यश साइन भी बना रही है, ये भी बहुत अच्छा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जीवन में यश की प्राप्ति ज़रूर होगी। यहाँ पे देखें तो अगर ध्यान से देखूँ इस तरह से है, और यहाँ पे एक रेखा भी आ रही है, और इस तरह से यहाँ पे भी वर्ग बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आपकी हथेली में राहु की दशा ख़त्म होगी और आपकी हथेली में चंद्रमा निगेटिव से बाहर आएगा और संघर्ष की रेखाएँ मिटेंगी, तब ये जो है अपना फल देंगी, लेकिन ज़रूर देंगी, इस बात की गारंटी है। और देखिए, सूर्य क्षेत्र पर अगर वर्ग का निशान हो जैसे आपकी हथेली में है, तो जातक अपनी जीवन काल में धन बहुत अच्छा कमाता है, मान बहुत अच्छा रहता है व्यक्ति का, यश की व्यक्ति प्राप्ति करता है, नौकरी कर रहा हो पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करता है, यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में ऐसा व्यक्ति सफल होता है। ऐसे जातक विश्व प्रसिद्ध भी होते हैं अगर सभी ग्रह जो है अपनी अनुकूल स्थिति में आए, और ऐसे व्यक्तियों का जो व्यापार होता है वो मल्टीपल सिटी का व्यापारी ऐसे लोग होते हैं, बहुत अच्छे साइन हैं आपकी हथेली में, लेकिन यही कहीं दब के रह गए हैं। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है ये इस तरह से जारी है और कहीं ना कहीं गुरु बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई दिखाई दे रही है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत श्रेष्ठ है, सबके लिए सोचने वाला व्यक्तित्व आपका है, बुद्धिमान भी हैं, विद्वान भी हैं, तेजस्वी भी हैं, हृदय से प्रेम करने वाले व्यक्ति भी हैं, अंत तक निभाने वाले व्यक्ति भी हैं, निर्मल हृदय का व्यक्तित्व भी है आपका है, लेकिन सूर्य के अनुकूल होने पर, आपके राहु का प्रभाव खत्म होने पे, चंद्रमा अनुकूल होने पे, संघर्ष की रेखाएं खत्म होने पे, अगर नौकरी कर रहे होंगे तो इसके बाद ही मान पद प्रतिष्ठा या कोई ऊंचे पद की प्राप्ति आपको जरूर होगी, इसमें कोई शंका नहीं है। जैसे ही आपके सूर्य पर्वत के ये जो साइन मैंने अभी बताए हैं ये एक्टिवेट हो जाते हैं, भव्य अवस्था में आ जाते हैं,
निश्चित ही आप अपनी नौकरी के क्षेत्र में एक उच्च अधिकारी, उच्च पदस्थ बनने के योग्य हैं या नहीं हैं, चाहे जिस भी प्रकार से हो। आप अगर व्यापार करें तो बहुत अच्छे साइन है, नौकरी करें बहुत सुंदर साइन है, कोई और भी काम करके है समाज में एक बहुत श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करेंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं दिखाई दे रही है, बहुत अच्छे हैं। ऊपर की ओर कुछ बेहतर लाइनें जा रही हैं। देखिए ये थोड़ा सा अलग किस्म का है, ऐसे व्यक्तियों का पैसा फंस जाता है, अगर कोई पैसा ले लेता है तो वापस देने का काम नहीं करता है, पैसे फंसाते हैं ऐसे लोग। धन के मामले में ये रेखाएं ठीक नहीं हैं, दूसरे का फायदा उठाते हैं। यहाँ पे योग का चिन्ह भी बनता हुआ नज़र आ रहा है, कहीं ना कहीं रिश्तों के मामले में कन्फ्यूजन की स्थिति देती है। हाँ, माँ बाप की सेवा जो है बहुत सुंदर करेंगे, इस और यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, लंबी है, बहुत अच्छी है, यहाँ पे बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा और कल्पना शक्ति बेहतरीन रहेगी। जीवन की रेखा यहाँ तक जारी है, लेकिन बराबर जो है जीवन की रेखा को कुछ रेखाएँ काट रही हैं। जीवन में निरंतर जो है संघर्ष की स्थिति वर्तमान समय में दिखाई दे रही है। जब ये रेखाएं मिटेंगी तभी आगे की बात यहाँ पे शुरू होगी। भाग्य रेखा आपकी इस तरह से जाती हुई और एकाएक यहाँ पे जहाँ तक लग रहा है आगे मेरे ख्याल से न जा तो रही है पर बहुत कम जा रही है, इस तरह से जा रही है और यहाँ हल्की हो जा रही है और यहाँ पे कहीं ना कहीं एक कट नज़र आ रहा है। इसका मतलब है बार बार काट रही है, हथेली में पैसा तो आता है लेकिन टिकता नहीं है। दूसरा करियर की रेखा है, तो जीवन में बार बार जो है करियर के मामले में, धन के मामले में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। और एक चीज़ का और ये जो है सावधान आपको कर रही है कि भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय मत लेना, क्योंकि आपने अगर गलत निर्णय ले लिया तो आप अपने स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, इस बात की ये शंका जता रहा है। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे देखें, थोड़ा समझें, आपकी हथेली में इस तरह से जारी है, एक ब्रांच यहाँ से फिर से जारी है। इसका मतलब है भाग्य रेखा दो ब्रांचों में जा रही है, दोनों शनि पे जा रही हैं और दोनों को एक ही रेखा काट रही है और शनि पर्वत वक्री अवस्था में आ रहा है। जो बेवजह की चिंताएँ, नौकरी चाकरी मामले में अड़चन की सुविधा, जीवन में खुशियों में कमी और व्यक्ति जो है कई बार दुखी होना, इस चीज़ को बता रहा है। दूसरी बात, भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय लेंगे और उस गलत निर्णय के कारण जीवन में अपने विकास को अवरुद्ध कर लेंगे। दो भाग्य रेखाएं हैं, दो मोह लिए हुए हैं। अगर ग्रह अपने अनुकूल स्थिति में आते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है जीवन काल में बेहतर फल मिलेगा, सभी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर आएगा और धन की स्थिति आपके जीवन में बेहतर होगी। एक से ज़्यादा भाग्य रेखाएँ, एक से ज़्यादा जो है सोर्सों से जो है धन का आगमन होगा, बहुत अच्छा जो है यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ से एक रेखा जा रही है आपके अंदर व्यापारिक गुणों में वृद्धि कर रही है लेकिन व्यापार को नहीं दे रही है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे एक जो है त्रिकोण बनता हुआ साफ दिखाई दे रहा है, निश्चित रूप से जो है जीवन काल में अचल संपत्ति का बहुत सुंदर लाभ मिलेगा। यहाँ पे अगर देखें इस तरह से जो है साफ एक मछली का चिन्ह बेहतर स्थिति में दिखाई दे रहा है और ये केतु का पर्वत है। केतु पर्वत पर मछली का चिन्ह होना व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में वृद्धि होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है और जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी ये एक्टिवेट होगा और इसकी नज़र जो है सूर्य पे पड़ रही है, ये सूर्य पे दृष्टि डाल रहा है और जिस ग्रह पे ये दृष्टि डालता है उसकी गुणों में वृद्धि करता है। जीवन काल में निश्चित ही जब ये एक्टिवेट हो जाएगा इसकी दृष्टि सूर्य पे पड़ेगी और सूर्य आपको जो है प्रसिद्धि और नाम देगा, इस और ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो एक रेखा इस तरह से आके, एक रेखा इस तरह से आके और ये रेखा सीधी तो नहीं है लेकिन इस तरह से आ रही है। ये रेखा भी अगर मजबूत हो जाएगी, सुंदर अवस्था में आ जाएगी तो तीनों स्तंभ यहाँ पे, ये स्तंभ, ये स्तंभ, ये स्तंभ सुंदर होके एक जो है त्रिकोण जरूर बनाएगा, त्रिभुज बनता हुआ नज़र आ रहा है।
जब तीनों स्तंभ इसके अच्छे रहेंगे तो निश्चित ही जीवन काल में ओल्ड एज में अचानक धन की बहुत बड़ी प्राप्ति होगी, चाहे लॉटरी के माध्यम से हो, चाहे अपने इन्वेस्ट किए हुए पैसों के माध्यम से हो, चाहे किसी के द्वारा सहायता की हुई राशि से हो, लेकिन बड़ी मात्रा में और अच्छा अचानक धन की प्राप्ति होगी और एक भव्य यात्रा का भी मौका आपको अपने जीवन काल में मिल सकता है। आपका अंगूठा यहाँ पे देखें तो मांसल दिखाई दे रहा है, कड़क दिखाई दे रहा है, तो थोड़ा जो है कड़क किस्म के व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इसका नीचे वाला भाग देखें तो यहाँ पे उठा हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बहुत सारी रेखाएं और गहरा दिखाई दे रहा है। शुक्र आपको वर्तमान समय में मानसिक परेशानी दे रहा है, भौतिक सुख सुविधाओं में कमी का यहाँ पे हवाला दे रहा है और किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को ये दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। आपका निम्न मंगल बहुत अच्छा उठा हुआ है और उच्च मंगल भी उठा हुआ, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव रह सकता है, इस ओर भी ये इंगित करता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका अगर हम जुपिटर का माउंट देखें, जुपिटर का माउंट बहुत अच्छा है, सुंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अपनी बातों का निर्वहन करने वाले और परोपकार की भावना रखने वाले व्यक्ति हैं, धार्मिक भावनाएँ बहुत अच्छी हैं और देखिएगा आचार्य बृहस्पति इस तरह से पुष्ट और सुंदर होते हैं तो व्यक्ति विद्वान होता है, ज्ञानी होता है, अपार मान सम्मान ऐसे लोगों को मिलता है। जीवन में बहुत सारा सम्मान आने वाले समय में मिलेगा, सड़क के किनारे से लेकर महलों की ऊंचाइयों तक हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो ये समस्याएं हैं, बृहस्पति अगर और भी अच्छा होता है तो आप अपने जीवन में इन समस्याओं से बच जाएंगे और सफलता की प्राप्ति करेंगे। शनि के बारे में मैंने बता दिया है, सूर्य के बारे में मैंने बता दिया है, बुध के बारे में मैंने बता दिया है और चंद्रमा और इसके बारे में बता दिया है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी पूरी हथेली का विश्लेषण करके आपको बता दिया है, साथ में उपाय भेज रहा हूँ। देखिएगा हथेली का विश्लेषण तो कर लिया, लेकिन जब उपाय करेंगे और विधिवत तरीके से करेंगे तभी जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी। अभी राहु की स्थिति, चंद्रमा का नेगेटिव होना और शनि का बेवजह की चिंताएं देना और जो लकीरें हैं उनका संघर्ष देना आपके जीवन में जारी है, लेकिन आप सही ढंग से उपाय करते हैं तो 2.5 से 3 साल में जो है आपके अंडर में परिस्थितियां आनी शुरू हो जाएंगी और जीवन में आप विकास करना शुरू कर देंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।